राजस्थान के कोटा में फंसे रीवा सहित विभिन्न जिलों के छात्रों को रीवा लाया गया है। छात्रों की प्रशासन द्वारा स्क्रीनिंग कराई जा रही है, जिसके बाद उन्हें वापस घर भेजा जाएगा। राजस्थान के कोटा में करीब 300 से अधिक बच्चे फंसे हुए थे, जिनको वापस लाने के लिए पुलिस की टीम रवाना हुई थी। इन बच्चों को वापस लाने के लिए ग्वालियर से 14 बसें पुलिस विभाग को दी गई थी। करीब 11 बसों में 270 बच्चों को रीवा लाया गया है। करीब एक माह से भी अधिक समय से बच्चे वहां फंसे हुए थे। इन बच्चों को वापस लाने के लिए शासन स्तर पर आदेश जारी हुए थे, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बच्चों को वहां से वापस लाया गया है। करीब एक माह तक दहशत और खौफ के साए में बच्चे रहकर जब गुरुवार को रीवा पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए पुलिस, राजस्व व स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। रहने वाले यही रीवा चाट घाट के हैं और कोटा में बच्चों को पढ़ा रहे थे। मेरी बेटी श्रेया मालवी है, वो नीट की तैयारी कर रही है और बच्चा हमारा इस साल 11th पास करके 12th में जाएगा। वो इंजीनियरिंग IIT की तैयारी कर रहा है। तो अभी कुछ सब क्लासेस सब बंद, टोटल बंद 1.5 महीने से। हम लोग सब बहुत डर गए थे, जिसके लिए हम लोग बच्चों को लेके गए थे, वो चीज तो हो ही नहीं पा रही थी। वहाँ पे पूरी तरह से फंसे हुए, जिसका जो उत्साह था बच्चों में, ना पढ़ने का उत्साह है, ना ही वो बच्ची नीट का एग्जाम जो 3 मई को देने वाली थी, ना कोई उसके टेस्ट हो रहे थे, टेस्ट भी टोटल बंद हो चुके थे। ऑनलाइन में कोई भी वो भी निश्चित नहीं था, ऑनलाइन का भी कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसका जो IIT बच्चा कर रहा है, उसकी सारी क्लासेस पूरी तरह से बंद है। और अभी 1-2 दिन से ऑनलाइन बोले भी तो अभी वो भी नहीं आ रहा, बोल रहे घर आप लोग जा सकते हैं, यहाँ रहना आप लोगों का कोई ठीक नहीं है, अपने घर में जाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए वहीं घर जाकर। हम बच्चे के साथ में 2 साल से हैं, बच्चा है मेरा, एक भांजा है, उन्हीं के लिए हम खाना बनाते हैं, उनके साथ में रहते हैं, तो उन्हीं की परवरिश में रहते हैं। तो अभी तक किस तरीके से व्यवस्था देखने को मिली, कहाँ कहाँ चेकिंग हुई है यहाँ रहने तक? हमारा 2 जगह, एक कोटा में हुआ जहाँ से हम गाड़ी बैठे हैं, फिर एक शिवपुरी में हुआ। और किस तरीके की हिदायत दी गई है चिकित्सकों द्वारा यहाँ पे? यहाँ तक तो वही गैसिंग के लिए बताया गया है कि थोड़ा दूरी बना के रखिए, सफाई रखिए, मास्क वगैरह लगा के रखिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार तिवारी। मैं अपनी बच्ची को लेने गई थी, जिसका नाम श्रेया सिंह है, और वहाँ जाके हम लोग पता चला कि कोरोना हो गया है और लॉकडाउन हो गया, तो हम फंस गए थे। तो कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आपसे लॉकडाउन से जब तक आज तक यहाँ आने तक? नहीं, वहाँ तो लैंडमार्क सिटी में थे, तो वहाँ पे कोई मतलब पूरी व्यवस्था थी, वहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था दी गई थी, सबको हॉस्टल में भेजा जा रहा था जिसके पास नहीं था। और वहाँ पे हर हॉस्टल के नीचे पुलिस वाले भी रहते थे। प्रशासन का किस तरीके का सहयोग मिला है अभी तक यहाँ आने? खाना पीना का पूरा सहयोग मिला है, सैनिटाइजर मिलता था। कितने दिन फंसे रही वहाँ पे? वहाँ पे 1 महीना हो गया, 1.5 महीना से फंसे हुए वहाँ। रहने वाली कहाँ की है? हम लोग सिविल लाइन से है, केसरी रेसिडेंसी अपार्टमेंट। कहे की पढ़ाई करती है बच्ची? मेडिकल की पढ़ाई करती है। कोटा से क्या किस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है, क्या हिदायत दी जा रही है सभी को? यहाँ पर कोटा से आज 11 बसें आ रही हैं टोटल, जिनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बच्चों के पेरेंट्स के लिए स्टेडियम में रुकने की व्यवस्था की गई है और बच्चों को मॉडल स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज में रुकवाया जा रहा है। यहाँ आने के बाद पहले उनकी जांच कराई जा रही है। ऐसे बच्चे जिनमें किसी भी प्रकार के सिम्टम्स होंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा, बच्चे भरेंगे और बाकी सभी बच्चों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इन सभी को सार्थक ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि यदि बच्चा अपने घर से कहीं बाहर जाता है, उसकी GPS लोकेशन से ट्रैकिंग की जाएगी। उसके साथ उनसे एक अंडरटेकिंग ली जा रही है कि वो ऐसा कोई भी कृत्य ना करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। प्लस इसके अलावा उनके ऊपर नगर निगम की टीम द्वारा रेगुलर और पुलिस के द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी कि ये किसी भी प्रकार से बाहर ना निकले और होम क्वारंटाइन ठीक से। उनके परिवार के लोग लेने नहीं आए, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग फिर अपने स्तर से व्यवस्था। कुल कितने छात्रों को लाया गया? आज टोटल 272 बच्चे हैं और करीब 20 पेरेंट्स हैं। कोई कोरोना पॉजिटिव लक्षण जैसे मिला या कोई अभी टेस्टिंग के दौरान टेस्ट कर रही है अभी? अगर पहले तो अभी तक कोई सिम्टम्स मिला नहीं है, एक बार फिर से जांच होती है, यदि कुछ होगा तो उसको क्वारंटाइन। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? जी मैं अमैया रीवा में रहता हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी मैं कोटा से आया हूँ, राजस्थान से। किस चीज की पढ़ाई करते थे, क्या परेशानी आ रही थी? मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ थी, जैसे खाने में हाइजीन नहीं था, हम डर रहे थे बहुत ज्यादा कि कहाँ से खाना आ रहा है, उसका भी कोई सोर्स नहीं था। और क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे थे, बट हमारे मामा ने
शिवराज सिंह चौहान ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है और हमारे निकालने में हमें वहाँ से सहायता की है। हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। तो लगभग कितने छात्र आए हैं आप लोग के साथ? लगभग 350 छात्र हैं रीवा के, सिर्फ रीवा के 350 हैं, बाकी टोटल देखे तो 3500 है लगभग। नहीं मिलता तो था लेकिन साफ सफाई नहीं थी, डर था कि कौन बनाता है, कुछ पता नहीं था इसलिए डर लगता था, तो खाना नहीं खाते थे। कहाँ कहाँ चेकिंग हुई आप लोग की अब तक? चेकिंग हर पोस्ट पे हुई है, बॉर्डर पे हुई है, बाद में आए हैं तो मध्य प्रदेश बॉर्डर पे भी हुई है, शिवपुरी पे बस बदले गई है, फिर उसके बाद आगे आए हैं तो ग्वालियर पे भी हुई है, झांसी में हुई है और फिर यहाँ सतना में हुई है, उसके बाद फिर यहाँ आए। अभी चिकित्सक टीमों द्वारा आपको क्या हिदायत दी गई है? ये दी गई है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क लगा के रखना है और सैनिटाइजर यूज करते रहना है और किसी को स्पर्श नहीं करना है। कितने बच्चे हैं कब तक आएंगे? देखिए कोटा जिले में पूरे मध्य प्रदेश से करीब 4000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और उनको लाने के लिए विशेष पहल की गई है सरकार की तरफ से। तो इसमें रीवा के करीब 250 से ज़्यादा बच्चे हैं और करीब 60-70 अभिभावक भी हैं जो वहाँ से लाए जा रहे हैं। कुल 11-14 बसेस भेजी गई थी, उनमें से 3 बसेस अभी वहीं पे रुकी हुई हैं। 11 बसेस के चलने का पॉइंट आ गया है जो मुझे लगता है 12-12:30 तक मैं रीवा जिले में आ जाएंगी और इनको चेक करने के लिए और अभिभावकों के साथ भेजने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई इंजीनियरिंग कॉलेज में, स्टेडियम में और जो मॉडल कॉलेज स्कूल है उसका ग्राउंड हम लोग यूज कर रहे हैं और वहाँ पे पूरी टीम पुलिस की, प्रशासन की, डॉक्टर्स की, नगर निगम की सब वहाँ पे लगी हुई है। उनके खाने का इंतजाम वही है, मेडिकल होगा, उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि किसको होम क्वारंटाइन करना है, किसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन।